हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी रखी हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है उन लोगों ने, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस है आपका, कौन कौन से कितने एग्ज़ाम किस सिलेबस से क्वालिफाई करने पड़ेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और मैं बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो से। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, 3 फरवरी 2021 को ये डेट है रिलीज कर दिया गया था और इसमें 200 पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या बात करें हम तो 200 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, लास्ट डेट इसकी रखी है 26 मार्च 2021 तक, और इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, इन लोगों ने कहा है कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। हालांकि बहुत जल्दी होते हैं बैंक के एग्ज़ाम, आप सभी को पता है, तो जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं बैंक में काम करने के वो फॉर्म को जरूर भरेगा। देखिए दोस्तों, 11 डिस्ट्रिक्ट में है ये वैकेंसी, साफ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा 11 डिस्ट्रिक्ट, बिहार की 11 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, वो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे जानेंगे दोस्तों, ये है वैकेंसी का ब्यौरा, जो जहाँ पर भी वैकेंसी हैं, तो इसमें था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 19 वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिलेंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 181, यानी कि टोटल्स की बात करें तो ये हो जाती हैं 200। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जानेंगे इससे और रिलेटेड सारी चीज़ें। ये आप अपनी सैलरी देख लीजिएगा, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पे स्केल रखा है उन्होंने, 11,765 से 31,540 रुपये तक होने वाला है आपको स्टेट में, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर 11,765 से 31,440, सेम है बिल्कुल इसमें। और ये आप देखिएगा, ये जो 11 स्टेट्स की मैं बात कर रहा था, ये वो 11 स्टेट हैं और इसमें जो भी वैकेंसी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉर्म को कैसे भरना है ये वीडियो को लास्ट में बताऊंगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, ये देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से जहाँ से भी। और एक और बात, सारे स्टूडेंट्स, अदर राज्य के स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें, तो इसमें मात्र किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे दोस्तों, मिनिमम जो एज है 21 ईयर्स से लेकर आपकी 33 एज, यानी कि 33 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और एसटीएससी में जो छूट मिलती है वो आपको मिल जाएगी। चलिए आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए कौन कौन से सिलेबस से आपको गुजरना पड़ेगा, प्री और मेंस दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। पहले एग्ज़ाम में आएगी आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, 100 नंबर के पूछे जाएंगे, और टाइम देख लेना कितना कितना टाइम किस पोर्शन में दिया गया है इन लोगों ने। चलिए आगे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें मेंस में भी सेम सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 हो जाएंगे यहाँ पर, और 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए आगे जानेंगे और देख लीजिएगा, और इसकी जो फ़ीस है दोस्तों, फ़ीस में बता दूँ, फ़ीस देखिएगा लास्ट में इन्होंने दे रखी है फ़ीस, जो फ़ीस है इसकी 750 रुपये जनरल वालों के लिए, और OBC और EWS, यानी कि जो नई कैटेगरी आई है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, 750 रुपये है, और ST SC और PH जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 550 रुपये रखी गई है। चलिए आवेदन कैसे करना है, आवेदन जान लेते हैं दोस्तों, आवेदन बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आ गए हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि जो इनके ऑफिशियल जहाँ पर वैकेंसी आई हुई है वहाँ पर देखिएगा, वैकेंसी की डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है, आप पढ़ सकते हो। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाकर आप सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ना, तभी जाकर अप्लाई करना। और यहाँ पर देखिए ऊपर से लिखा हुआ है क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, और फिर आपको 6 स्टेप से गुजरना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। फर्स्ट पे इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी जाती है दोस्तों, जैसे नाम, फादर नेम, मिडिल नेम, और आपके जो भी मोबाइल्स नंबर हैं और ईमेल आईडी है, बाकी सारा कुछ इसमें डिटेल्स में भर के, और आप ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चर कोड डाल के और सबमिट
कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट टू करोगे तो सारे प्रोसेस से आपको दूसरे प्रोसेस में सिग्नेचर, तीसरे में डिटेल्स वगैरह, और चौथे में अपलोड, और फिर सिक्स पेमेंट करनी है आपने और आपका फॉर्म भर जाएगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। हालांकि इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन आती है तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और नई वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर कोई वैकेंसी आती है ऑल इंडिया कहीं पर भी तो मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।